94.3 माई FM पर मैं आरजे मीनाक्षी आपके साथ। चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं, आज की कहानी। अब जापान जो है, यू नो इट्स वेरी वेल नोन फॉर इट्स फिशिंग इंडस्ट्री, और जापानीज लोगों को फिशेस बहुत पसंद है। इनफैक्ट उन्हें ताज़ा फ्रेश मछलियां बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन बीच में ही जापानीज इंडस्ट्री जो है, जापानीज फिशिंग इंडस्ट्री, वो बहुत ही एक टफ चैलेंज फेस कर रही थी। और वो ये था कि जापानीज लोग जो कि फ्रेश फिश पसंद करते हैं, उन्हें फ्रेश फिश नहीं मिल रही थी। मतलब क्योंकि मछली पकड़ने के लिए अंदर सी तक जाना पड़ता है, तो जब तक मछुआरे डीप सी में जाके मछलियां पकड़ के लाते थे, तब तक मछली जो है वो बासी हो जाती थी। और जापानीज को चाहिए एकदम फ्रेश, तो क्या किया जाए। तो फिर जापानीज इंडस्ट्री जो थी, उनके मन में ख्याल आया और उन्होंने बड़े बड़े फ्रीजर्स जो हैं बोट्स पे लगा दिए। अब ये जो फ्रीजर्स हैं, यहाँ पर मछली रखी जाती, उन्हें उसे फ्रीज किया जाता और फिर वापस लाया जाता। और ये मछली जो जापानीज लोग खाने लगे, तो तब इन्हें ये मछली भी पसंद नहीं आई। ये मछलियां क्यों पसंद नहीं आई? क्योंकि फ्रीजर में रखी हुई मछली का टेस्ट अलग हो जाता था। तो अब जापानीज फिश इंडस्ट्री जापानीज फिशिंग इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी दिक्कत थी। तो अब उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने जो ये बोट्स थी, बड़ी बड़ी बोट्स जाती थी, उस पे बड़ी बड़ी टैंक्स रखना शुरू कर दिया, फिश टैंक्स रखना शुरू कर दिया। तो वो फिश पकड़ते और वहां पे फिश टैंक में डालते और वैसे के वैसे लाके उन्होंने बेचना शुरू कर दिया। लेकिन अभी भी जापानीज लोगों को वो ताजा वाला स्वाद जो उन्हें चाहिए होता है, वो नहीं आ रहा था। तो फिर फाइनली उन्होंने ऐसा क्या किया कि आज जापानीज लोग भी बहुत खुश हैं और फिशिंग इंडस्ट्री भी कमाल कर रही है जापान की। उन्होंने क्या किया, वो जो फिश टैंक थे वो तो उन्होंने रखे, लेकिन उस फिश टैंक में उन्होंने छोटी शार्क डाल दी। अब शार्क डाल दी तो बाकी मछलियां जो हैं वो बहुत एक्टिव रहती थी, बहुत भागती और दौड़ती रहती थी पानी के अंदर, तो बहुत एक्टिव रहती थी। तो जब वो एक्टिव रहती थी तो बहुत फ्रेश होती थी, जब तक वो बाहर भी आती थी। एंड जापानीज लोगों को वो फिश का टेस्ट बहुत पसंद आया। ये कहानी आज क्यों सुनाई? ऐसा कई बार लगता है ना लाइफ में कि यार कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, डल सा चल रहा है, क्योंकि आप खुद को चैलेंज नहीं कर रहे। बहुत जरूरी है अपने आप को, खुद को टाइम बाय टाइम चैलेंज करते रहें, क्योंकि कॉम्प्लेसेंट जिस दिन आप हो गए, उस दिन से डाउनफॉल पक्का स्टार्ट है। कीप चैलेंजिंग योर सेल्फ एंड दैट विल मेक यू सक्सेसफुल। योर चैलेंजेस कीप यू एनर्जाइज्ड। मीनाक्षी और माई FM तो यही कहते हैं, टेक चैलेंजेस एंड बी सक्सेसफुल। चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं।